दोस्तों जॉब्स एंड लर्निंग के शॉर्ट इन्फॉर्मेशनल वीडियो सीरीज़ में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम जानेंगे नॉर्को टेस्ट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपने सुना होगा, न्यूज़ में, अखबारों में पढ़ा होगा कि हाल ही में राजधानी दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली जो श्रद्धा वॉकर हत्याकांड है, इसमें दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला का नार्को टेस्ट कराने की मंजूरी दी है। इससे पहले भी कई मामलों में हो चुका है नार्को टेस्ट। अब तक 2002 के गुजरात दंगों के मामले में अब्दुल करीम तेलगी, जो फर्जी स्टाम्प पेपर घोटाला हुआ था उसमें, 2007 में निथारी हत्याकांड और 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के मामले में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब पर भी नार्को टेस्ट का विशेष रूप से उपयोग किया गया था। तो आइए जानते हैं आज के इस शॉर्ट इन्फॉर्मेशनल वीडियो में नार्को टेस्ट के बारे में कि नार्को टेस्ट क्या होता है और ये कैसे किया जाता है। सो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का ये बेहद ही ख़ास शॉर्ट इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तो दोस्तों नार्को टेस्ट एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए व्यक्ति को ट्रूथ सीरम दिया जाता है। मतलब कि एक ख़ास तरह का ये इंजेक्शन होता है जिसमें इंसान के सोचने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो ख़त्म हो जाती है। और नार्को टेस्ट में जो आरोपी होते हैं उनको एनेस्थीसिया, यानी कि यही जो ट्रूथ सीरम होता है, उसको देने के बाद उनसे सवाल पूछे जाते हैं, उससे सवाल किए जाते हैं एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स के मौजूदगी में। एक्सपर्ट्स जो है उसे क्राइम सीन्स से जुड़े सवाल करते हैं आरोपी से, जिससे उसके दिमाग में जो कुछ भी होता है वो वही बोलने लग जाता है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि इंसान नशे की हालत में ऐसी बातें बोल देता है जो वो नॉर्मल होते हुए नहीं बताना चाहता है। तो आगे जानते हैं दोस्तों कि नार्को टेस्ट क्यों किया जाता है, इसकी क्या आवश्यकता होती है, इसको क्यों किया जाता है। दरअसल कई बार जो अपराधी होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, वो अपराध करने के बाद, क्राइम करने के बाद मुकर जाते हैं, सवालों का ठीक तरह से जवाब नहीं देते हैं। ऐसे में जो पुलिस है या जांच एजेंसियां होती हैं वो नार्को टेस्ट करवाने के लिए कोर्ट में अर्जी देती हैं ताकि जो अपराधी हैं वो झूठ बोलकर कोर्ट को गुमराह ना कर सकें और लोगों तक जो सच्चाई है लोगों तक पहुँचे। नार्को टेस्ट एक तरह का एनेस्थीसिया होता है, यानी कि जिसमें आरोपी ना पूरी तरह से होश में होता है और ना ही बेहोश होता है। तो नार्को टेस्ट के लिए कई तरह की प्रोसीजर्स हैं, प्रक्रियाएं हैं जिससे आरोपी को गुजरना पड़ता है। और आगे जानते हैं कि नार्को टेस्ट के क्या खतरे हो सकते हैं। तो दोस्तों इस टेस्ट को करते समय बेहद सावधानी बरतनी होती है, थोड़ी भी अगर लापरवाही हुई तो आदमी की जान जा सकती है, वो कोमा में जा सकता है या और भी हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। तो इस टेस्ट को करते समय जो एक्सपर्ट्स होते हैं और जो डॉक्टर्स की टीम होती है उनकी मौजूदगी बेहद ही ज़रूरी होती है। कमज़ोर या मानसिक रूप से जो वीक लोग होते हैं उनको ये टेस्ट नहीं किया जा सकता है। सीरम लगने के बाद, यानी कि जो ट्रूथ सीरम होता है वो शख्स को इंजेक्शन के थ्रू देने के बाद उससे सवाल किया जाता है और इस दौरान जो है उसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी होती है। दुनिया भर के देशों में कानूनी मंजूरी के बाद ही, यानी कि कोर्ट की मंजूरी के बाद ही नार्को टेस्ट की इजाज़त होती है। नार्को टेस्ट कराने के लिए आरोपी जो होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनकी भी सहमति ज़रूरी होती है। और दोस्तों नार्को टेस्ट की प्रोसेस के दौरान, इसकी प्रक्रिया के दौरान जो नाड़ी है या रक्तचाप है इसकी लगातार जो है निगरानी की जाती है। अगर ब्लड प्रेशर या पल्स गिर जाता है या उसमें चेंजेस आते हैं तो आरोपी को टेम्पोररी तौर पे ऑक्सीजन भी दी जाती है और भी मेडिकल रिलेटेड जो सुविधाएं हैं उसको दी जाती है और उसका ध्यान रखा जाता है। दोस्तों आज के इस इन्फॉर्मेशनल वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।